तो अब हम बनाने जा रहे हैं दाल पालक शोरबा। ये बहुत ज़्यादा हेल्दी सूप है, और अगर आप एक बार इस सूप को पी लेते हो तो आपको 6 से 8 घंटे तक भूख नहीं लगती है। तो दिन में अगर 2 बार आप इसको पी जाओगे तो आपको खाना खाने की ज़रूरत नहीं, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, और आपको भूख का भी एहसास नहीं होगा। और बॉडी को जितने भी न्यूट्रिशन चाहिए, सारे विटामिन्स, मिनरल्स और प्रोटीन्स, हर चीज़ इस दाल पालक शोरबा से आपको मिल जाती है। तो इसमें अभी हमने ली है, मिर्च ली है और प्याज लिया है, लहसुन और अदरक की पेस्ट ली है, तेज पत्ता लिया है और धना लिया है हमने, शाहजीरा लिया है, दालचीनी है, काली मिरी, ब्लैक पेपर और लौंग है हमारे साथ में। और हमने लगभग 200-250 ग्राम, आप जितना भी पालक इसमें लेना चाहते हो, तो हमने लगभग 250 ग्राम पालक ली है। और हमारे साथ में है स्प्राउटेड मूंग और स्प्राउटेड मसूर। तो आपको इसके लिए अनपॉलिश्ड मूंग और अनपॉलिश्ड मसूर लाना पड़ेगा, और उसको 24 घंटों तक आपको भिगोना पड़ेगा पानी में, और फिर बाद में पानी को सोख के उसको और अगले 24 घंटे तक स्प्राउट होने देना है। स्प्राउट होने के बाद में आप उसको इस तरीके से सूप बनाने में इस्तेमाल कर सकते हो। ये सूप आप लगातार 10 दिन, 15 दिन, जितना दिन भी आप पीना चाहो पी सकते हो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो हम शुरुआत करते हैं दाल पालक शोरबा बनाने के लिए। नहीं सब दालचीनी को आपको सेकना है धीमी आंच में, आप गैस या फिर आपका जो भी है धीमी आंच में। आपको काली मिरी होगी, लौंग है और दालचीनी है, इनको ड्राई रोस्ट करना है। तो बस हल्का इसको 1 मिनट तक ड्राई रोस्ट कर लेने के बाद में आपको बस इसको सारे मसालों को ड्राई रोस्ट कर लेने के बाद में थोड़ा सा उसको ठंडा करके हम मिक्सर में से पीस लेंगे, तो उसका एक पाउडर जैसा बन जाएगा। पीस लेने के बाद में आपके मसाले इस तरह कैसे दिखेंगे उसमें। बॉईल करने के बाद में आपके मसूर और मूंग इस तरीके से दिखता है। इसको आपको खुले में ही बॉईल करना है। ध्यान रखें कि टेम्परेचर किसी भी चीज़ का पकाते हो कभी भी 120 डिग्री सेल्सियस के ऊपर ना जाने पाए, तो इसलिए हमने इसको ओपन में बॉईल किया हुआ है। पालक को हमने लगभग 1.5 मिनट तक हमने बॉईल किया है। बॉईल करने के बाद में पालक इस तरीके से दिखती है, और मसूर और मूंग को हमने लगभग 10 मिनट बॉईल किया है। ये हमने लोहे की कढ़ाई ले ली है, तेज पत्ता इसमें डाल दिया। तेज पत्ता के बाद में हम इसमें प्याज डालेंगे। प्याज को हल्का सा गोल्डन होने तक उसको हमको फ्राई करना है। फिर उसके ऊपर हम अदरक लहसुन पेस्ट डाल देंगे। फिर हमने इसमें अदरक लहसुन पेस्ट भी डाल दी है। किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, याद रखें कि इसको जलाना नहीं है, इसको सिर्फ हमको हल्का सा रोस्ट वाला इफेक्ट इसको देना है, हल्का सा इसको गोल्डन कलर लाना है बस। अब इसके अंदर हमने जो हल्का सा मतलब रोस्ट किए हुए जो मसाले हैं सारे वो, और उनको हमने बाद में पीस लिया था मिक्सर में, उसको हमने अभी इस लोहे की कढ़ाई में हमने डाल दिया। हल्का सा इसको मिक्स कर कर खुशबू से आपको पता चल जाएगा कि तैयार हो गया करके। अब हमने इसमें पालक को पीस लिया पूरी तरीके से, और पालक को हमने अभी हमारी लोहे की कढ़ाई में डाल दिया है।
अब इसको हम अच्छे से सिझाएंगे। अब इसमें हमने थोड़ी हल्दी डाल दी है। अब हमने इसके अंदर मूंग और मसूर को जो हमने पीस लिया था हैंड मिक्सर से वो डाल दिया है। हल्दी इसलिए भी डालना ज़रूरी है ताकि वो जो ग्रीन कलर जो है पालक का वो रिटेन हो जाए इसके अंदर, और एंड में जब हमारा सूप बनेगा तो एकदम बिल्कुल ब्यूटीफुल पूरा ग्रीन कलर का सूप बनेगा। अब हमको इसमें ज़रूरत के अनुसार हमको पानी डालना है ताकि हम इसको पतला कर सके, सूप के जितना हमको इसको पतला करना है, और इसको अच्छे से मिक्स करना है। और अब हमको इसको बस बॉईल कर लेना है। एक बार ये अच्छे से बॉईल हो जाए कि इसको बस फिल्टर करना है और आपका सूप रेडी। अब ये हमारा सूप जो है बहुत अच्छी तरह से बॉईल हो चुका है। अब इसको हमको स्वादानुसार हमको इसके अंदर नमक डालना है। नमक बहुत ज़्यादा मत डालिए क्योंकि पालक के अंदर भी थोड़ा नमक होता है और दोनों दालें जो हमने इसके अंदर ली है उनमें भी थोड़ा नमक होता है। और एंड में जब आप इसको परोसे तो उस वक्त आप परोसते समय आप नींबू इसमें डालिए, या फिर जो भी अपने अपने हिसाब से सूप पीते वक्त इसके अंदर अपने हिसाब से नींबू डालें। इसमें जितना आप ज़्यादा नींबू डालोगे उतना आपको ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट आता जाएगा। इस तरीके से आपको इसको फिल्टर कर लेना है। फिल्टर हो जाने के बाद में आपका सूप तैयार है।